सभी भाइयों को नमस्कार, सभी का स्वागत करते हैं जी आपके अपने चैनल यादव डेयरी फार्म पे। मैं आपका अपना मंजीत यादव आज फिर से किसान साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं एक नई वीडियो के साथ। प्रयास रहता है पशुपालक भाइयों को जब भी दिखाएं वीडियोज के अंदर जो है अच्छा पशुधन दिखाएं। आज एक ऐसे फार्म से वीडियो लेके आ रहे हैं जिसपे शायद जो है किसान साथियों को ताज़ा भैंसे ज़्यादातर देखने को मिलती हैं, लेकिन आज जो हर पशुपालक की डिमांड रहती है मेरे हिसाब से दिन में 20-30 फोन तो आराम से आ जाते हैं कि हमें प्रेग्नेंट चेक पास भैंस चाहिए। तो आज आपके लिए सामने दो जोटियां देख पा रहे हैं, डिटेल से इनके बारे में पूछे जानकारी दें। उससे पहले जितने भी किसान साथी जुड़े हैं सभी जो है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि रेगुलर वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। जो भाई फेसबुक पेज पर देख पा रहे हैं वो पेज को लाइक करें ताकि वहाँ भी रेगुलर वीडियोज़ आपको मिलती रहें। और हमारी जो इंस्टाग्राम आईडी है वो भी यादव डेयरी फार्म के ही नाम से, काफ़ी ज़्यादा संख्या में फॉलोअर जो है उस पर जुड़े हुए हैं, वहाँ भी आप वीडियोस देख सकते हैं। तो आज हम गांव पटासणी से, डिस्ट्रिक्ट झज्जर का गांव है, झज्जर से रेवाड़ी रोड पे पड़ता है, साहिल भाई के फार्म से वीडियो लेके आ रहे हैं। आपको मिलवाएंगे और डिटेल से दोनों झोटियों के बारे में जानकारी लेंगे। सामने आप देख पा रहे हैं साहिल भाई को, तो आपको मिलवाते हैं और पशुधन के बारे में भी जानकारी लेते हैं। नमस्कार साहिल भाई। नमस्कार जी। सबसे पहले जी आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। जी जी धन्यवाद। जो व्यूअर इतना कीमती टाइम लगा के देख रहे हैं उनका भी बहुत धन्यवाद। जी जी थोड़ा इस साइड आ जाइए भैंस के पास में। जी तो पहले नंबर वाली भैंस से क्या कुछ डिटेल है भाई? पहले ब्याती है और ज्यादातर अपना भाई साहब ताजा भैंसों का काम है। जी जी। लेकिन आज डिमांड को देखते हुए सबसे ज्यादा चेक पास बागड़ी भैंसों की डिमांड है। जी जी। क्योंकि कहीं ना कहीं जो ताजा ब्याया हुआ पशुधन है उसकी कीमत काफी हैवी हो चुकी है। जी। और जो हमारे पशुपालक भाई है वे सोचते हैं कि चेक पास गैप मिल जाए और कुछ दूध देती हो ताकि काउइंग पे अच्छी उसकी लागत उठ जाए। जी जी। तो अपने पास आज दो भाई साहब जोटियां हैं। जी। और एक सेकंड टाइमर है और एक फर्स्ट टाइमर है। तो पहले नंबर वाली फर्स्ट टाइमर है, सेकंड टाइमर है। ये सेकंड। तो कितने महीने की गाभिन हो चुकी है, क्या कुछ दूध की रिपोर्ट है पहले जो इसने निकाला है अभी इस ब्यात में? भाई साहब अभी मुझे अभी भी 6 दांत है। जी ठीक है। जी, जी और आज फिलहाल ये 6 महीने की चेक पास गाभिन मैं चेक करवा के ले गया हूँ। जी जी। और जो ठंडा जो टिक्का होता है उसके लगवा दिया है। वो तो चेक होते ही लगवाना भी चाहिए। और दोनों चेक पास करवा के ले गया अपनी आँखों के आगे। जी जी। और ताजा ब्याई हुई ने भाई साहब इसने 15-16 किलो दूध आम फार्मर के घर पे निकाला हुआ है। जी जी ठीक है। और फिलहाल आज प्रेजेंट में मेरे पास जब आई थी जब आकर के मेरे पास 2 टाइम तो अच्छा दूध दिया, लेकिन आज थोड़ा सुबह इसने थोड़ी बहुत दिक्कत कर दी थी। ये थोड़ी बहुत दिक्कत मैं बताता हूँ, मौसम का बदलाव और ये जो नई जो नया तूड़ा भी अभी आ रहा है ड्राई फोडर उसके कारण भी कर देती है थोड़ा बहुत। अभी कितना दूध है इसमें 6 महीने की क्या बन रही? इसमें लगभग 4-5 किलो दूध है। थन पास करवा रही है अपने? पास करवा देगी, मोटी मोटी दारे हैं। जी। और लेडीज को काफी ज्यादा मानती है। जी खोलें एक बार तो देख सकते हैं जी, शरीर में चमक दमक काफी अच्छी है, सींग क्वालिटी काफी अच्छी और अभी जो है दूध थन पास करवा रही है। दोनों टाइम देती है? दोनों टाइम दूध देती है। साथ में बच्चा क्या है साहिल भाई? साथ में मेल काफी भाई साहब काफी हेल्दी। जी जी ले आओ इधर ले आओ। तो एक बार आपको अभी संपूर्णता वीडियो में दिखाई देगी, ये देख सकते हैं जी चेहरे मोरे की बनावट, सींग की जो क्वालिटी है वो काफी अच्छी और यहाँ से आप पशुधन को देख पा रहे हैं। लंबाई लेंथ काफी ज्यादा है इस पशुधन में और लंबाई जो है लंबाई वाला पशु है, लगभग दूध वाला पशु मिलता है। तो ये आप देख सकते हैं 6 महीने की चेक पास। बच्चा कौन सा है इसका? बच्चा ये भाई साहब काफी हेल्दी कटड़ा है। जी जी यहाँ से आप देखिए जी बहुत ही अच्छा पीठ का साइज, सिंगों की क्वालिटी, ले चलो बांध लो थड़ों में भाई, स्पेसिंग नीचे ये देखिए जी थड़ों की बनावट और चुहाई बहुत ही साफ सुथरी बता रहे हैं। पहले में कुछ बाल वाइट ये देखिए और नीचे बाल थोड़े बहुत वाइट बांध लो। तो 6 महीने की चेक पास यानी 4 महीने बाद गाविंग करेगी, साथ में कटड़ा भी बहुत ही हेल्दी है, यानी अच्छे बच्चे देने वाली भैंस हम इसको मान सकते हैं। तो साहिल भाई रेट साथ में ही बताएंगे? हाँ जी रेट साथ में बता रहे हैं, बागड़ी भैंस हैं भाई। जी जी भाई साहब इसका 75,000 रुपये है। 75,000 रुपये और बिना बच्चे के दूध देती है। जी अगर कोई बच्चे के साथ लेगा तो 75,000 रुपये है, अदरवाइज बच्चे को छोड़ के जाएगा तो उसको हम मौके पे रेट करते हैं। बच्चे का घटा दोगे? जी 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 बच्चा तो छोड़ने वाला तो बच्चा है नहीं, कटड़ा तो इतना अच्छा नीचे। जो हमारे पशुपालक भाई हैं जो बागड़ी भैंसों को परचेज करते हैं, जी साई सुई वगैरह घेरते हैं जी, तो लगभग
आप जैसे ये कहते हो कि हम सुबह 11-12 बजे तक आपके खाते में पैसे लगा दें जी, हम उसके ऊपर पशुधन को भाई साहब रोक के रखें, वो आपकी गलती है। ये बातें आप भले ही ना कहे, कोई साई डाले उसको दे दो, कोई घर आए उसमें तो उसको ग्राहक मानता हूँ जो पहले घर आ जाए, और ना आए तो टोकन मनी के बगैर है ना किसी के लिए पशु रोकना, मैं तो एक कानूनी अपराध ही मानता हूँ। आगे वाली झोटी के बारे में बताएं भाई साहब, ये फर्स्ट टाइमर झोटी है और आज भी मुंह से चार दांत निकले जी, ठीक है, और जी क्वालिटी आप देख सकते हो, ताजा गई हुई ने इसने 12 से 13 किलो दूध आम फार्मर के घर पे ठंडा दूध निकाला हुआ है जी। अगला तो 14 बता रहे थे लेकिन मैंने तो इतनी मान के लिए 12-13 तो खूब दिया। आज कितने दिन की गैप बने? आज 6 महीने की चेक पास गैप भी है जी, और ये भी भाई साहब चेक करवा के मैंने परचेज करी है जी, और आज चार दांत है, खाने पीने में काफी अच्छी है, मौके पे जो दूध है। 4 महीने के? नहीं, 6 महीने की। इसमें कितना दूध आज? आज इसमें लगभग 5 किलो दूध होगा। 5 किलो, खोलो इसको भी खोलो। तो देखिए, जो बनावट होनी चाहिए पशुधन में वो आप इस झोटी में देख पा रहे हैं, बहुत ही छोटे सींग की लंबी गर्दन और जो छोटे हेड की, नीचे से अभी भी आप देखिए ताजी भैंसों की तरह साफ सुथरी है, ये नहीं कि किसी तरह का कोई अनबैलेंस वगैरह ले आओ वापिस मोड़ लिया। यहाँ से आप देख सकते हैं सींग और स्वभाव की, भाई क्या कहना है, बहुत ही ज़्यादा ठंडे स्वभाव के। यहाँ से आप देख सकते हैं संपूर्णतः वीडियो में पशुधन जो है आपको दिखाई दे रहा है, साथ में इसके भी मेल काफ़ी है जी। 5 किलो दूध, 6 महीने की चेक पास, पहले ब्यांत की झोटी और साइज अच्छा है जी सर जी, मतलब छोटा से छोटा बच्चा इसकी चुवाई आराम से कर सकता है जी जी। स्वभाव भी ठंडा है, कोई भागदौड़ नहीं, कोई किसी तरह की उत्सुकता पशुधन में देखने को नहीं मिल रही। यहाँ से जब आप चलती हुई को देखते हैं तो देख ये स्वभाव ही दर्शाता है। काफी बार पशु थोड़ा उत्तेजित हो जाता है, जैसे दूसरी भैंस है वो साहिल भाई कह रहे हैं कि बच्चे के बगैर दूध देती है, लेकिन बच्चे से ज्यादा लगाव रख रही है अभी साहिल भाई, कोशिश बच्चे की ज्यादा कर रही है। नहीं, क्या होता है बाप, जैसे थोड़े नए बंदे को ना मतलब वो करती है, मतलब डॉक्टर वगैरह चेक नहीं करवाई, थोड़ा हो जाता है वो तो। तो ये इस झोटी का क्या रेट है भाई? रेट भाई साहब इसका है 74,000 रूपए। 74,000 रूपए इसका भी यही है भाई साहब, कोई बच्चे के साथ लेगा तो 74,000। ताजी झोटी साहिल भाई, मैक्सिमम कम से कम रेट की बताऊंगा मैं, ताजी झोटी 1.25 लाख रुपए की बिके भाई साहब। देखो जो करेक्टर है ना दोनों की, दोनों झोटे बिल्कुल बारीक चमड़े की, और जो क्वालिटी है ना दोनों की, दोनों सिंगो से लेके और पूछ तक का कोई मायने जी, चमक दमक उसमें भी अच्छी है। ये थोड़ी खून कम है जिसके पास थी, शायद केयर कम थी, लेकिन जब आगे बच्चा देगी उस टाइम पे झोटी में ब्यूटी काफी ज्यादा है, इसमें भी ब्यूटी काफी अच्छी भाई साहब, और हाइट लेंथ की काफी अच्छी है जी, और वो थोड़ी बहुत मीडियम हाइट की है लेकिन क्वालिटी में काफी अच्छी जी जी। ये देखिए, ये दोनों पशुधन बिक्री के लिए उपलब्ध है भाई के पास, इधर ये 6 महीने की चेक पास, इसके साथ में ये आप सामने मेल काफ देख पा रहे हैं। कोई भी किसान साथी खरीदना चाहता है, रेगुलर इनका मोबाइल नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, वो इनसे संपर्क कर सकता है। आप भाइयों तक वीडियो पहुंचाने का हमारा जो प्रयास है उसमें आज साहिल डेयरी फार्म से ये वीडियो थी। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स के जरिए ज़रूर बताएं। अभी रेगुलर आपको वीडियो जो है चैनल पे देखने को मिलेंगी, क्योंकि बीच में थोड़ी रेगुलरिटी मैंने जान पूछ के डाउन कर रखी थी, अभी आपको डेली वीडियो मिलेंगी, एक तो मिलेगी दो भी मिल सकती है। तो जितने भी किसान साथी जुड़े जी सभी का धन्यवाद, सभी को मेरी तरफ से नमस्कार।